उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में पिछले रविवार को सुरंग ढहने के बाद भीतर 41 मजदूर फंसे हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तमाम जुगत लगाई जा चुकी है, मगर अभी तक एक का भी रेस्क्यू नहीं हो पाया। भूवैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सुरंग निर्माण विशेषज्ञों और भू तकनीकी विशेषज्ञों समेत रेस्क्यूअर्स की एक पूरी टीम लगी हुई है। शनिवार दोपहर तक आगे की राह एक दिन पहले साइट पर सुनी गई तेज आवाज के बाद और अधिक मुश्किल हो गई थी। ड्रिलिंग पहले ही रुकी हुई है। अधिकारियों ने शनिवार को पहाड़ी की चोटी से लंबवत यानी कि वर्टिकल छेद करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्माणाधीन सुरंग के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन बीआरओ की सड़क रविवार दोपहर तक तैयार हो जाएगी। सिलक्यारा में एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन है और पहाड़ी के ऊपर से एक वर्टिकल होल बनाने के लिए ड्रिलिंग की जा रही है। ताज़ा जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने अब विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इन चार मोर्चों पर एक साथ बचाव अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पहले मोर्चे की जिम्मेदारी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड उठाएगा। वे सुरंग के ऊपर 120 मीटर के 1 मीटर वर्टिकल सुरंग के लिए खुदाई करेंगे। दूसरे मोर्चे की कमान नवयुग इंजीनियरिंग संभालेगी। वे फिर से लगभग 60 मीटर लंबाई की सुरंग की खुदाई करेंगे। तीसरा मोर्चा DSDC संभालेगी। वो विपरीत दिशा से लगभग 400 मीटर सुरंग की खुदाई करेंगे। चौथा मोर्चा ONGC उठाएगी। वो नीचे से हॉरिजॉन्टल तरीके से सुरंग खोदेंगे। आपको बता दें कि NHIDCL यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, SJVNL यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, DTSDC और RVNL को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा BRO और भारतीय सेना की निर्माण शाखा भी बचाव अभियान में सहायता कर रही है। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का निरीक्षण करने वहां पहुंचे। इनके साथ में उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधु भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए गडकरी ने कहा, हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है। राज्य सरकार हमारी मदद कर रही है। भारतीय सरकार की कई एजेंसियां इस काम में मदद कर रही है। निजी एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया गया है। अमेरिकी विशेषज्ञों से भी संपर्क साधा गया है। हमारी प्राथमिकता उन मजदूरों की जान बचाना है। काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम 6 इंच के पाइप के जरिए ज्यादा खाना, पानी, ऑक्सीजन भेजने की कोशिश कर रहे हैं। 42 मीटर का काम हो चुका है और जल्द ही उम तक पहुंच जाएगा। अभी तक केवल काजू, पिस्ता और मेवे ही भेजे जा रहे हैं। अब हम 6 इंच पाइप के माध्यम से रोटी, सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थ भी भेज सकते हैं। गडकरी ने कहा कि अभी किसी नतीजे पर ना पहुंचे, हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने हादसे की कारण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस ऑपरेशन की पहली प्राथमिकता पीड़ितों को जिंदा रखना है। बीआरओ द्वारा विशेष मशीनें लाकर सड़कें बनाई जा रही हैं। कई मशीनें यहाँ आ चुकी हैं। 2 ऑगर मशीनें फिलहाल बचाव अभियान काम के लिए काम कर रही हैं। इस हिमालय भूभाग की जटिलताएँ हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना ज़्यादा लंबा खिंच रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।